हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आम के खाने से फायदे और नुकसान के बारे में। फलों के राजा कहे जाने वाले आम का सीजन आ गया है। गर्मियों के मौसम में इसका सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है। हम आपके लिए गर्मियों के फायदे लेकर आए हैं। ये स्वाद में मीठा होने के साथ आपको मौसमी बीमारियों से बचाने में भी मददगार है। आम कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्वों से भरपूर आम दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसमें फोलेट, बीटा कैरोटीन, आयरन, विटामिन ए और सी के साथ ही कैल्शियम, जिंक और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व होते हैं। आम में विटामिन ए होता है जो स्किन को बढ़िया रखता है, यह मुहासे दूर रखता है, साथ ही कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है जिसमें स्किन पर ग्लो आता है। आम का सेवन करने से पाचन बढ़िया होता है। इसमें डाइट्री फाइबर होता है जो पाचन को बढ़िया करता है। आम में पाया जाने वाला विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। इससे मौसमी बीमारियां दूर रहती है। आम का सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिलती है। आम की गुठली में मौजूद रेस एक्स्ट्रा चर्बी को कम करता है। आम में 150 क्लोरीन होती है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। इसलिए आम को सेवन रात की बजाय सुबह में करनी चाहिए। आम प्राकृतिक रूप से मीठा होता है जो आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है। डायबिटीज मरीज के लिए इसका सेवन रात में ना करें और दिन में भी करें तो डॉक्टर की सलाह से ही करें। अगर कोई व्यक्ति रोग से पहले से पीड़ित है तो डॉक्टर की सलाह से ही आम को खाएं। इस वीडियो के माध्यम से जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए है और ना ही किसी प्रकार का दावा करता है और ना ही किसी प्रकार का जिम्मेदारी लेता है। आप डॉक्टर की सलाह से ही आम को खाएं।